भसीन जी, आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है सुबह। शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। सरे बाजार हरा लाल हो रहा है बार बार, आखिरकार जीतेगा हरा ही रंग ना। गुड आफ्टरनून डिंपी जी। देखो, हरा और लाल तो चलते रहेगा, लेकिन आज अच्छा है, थोड़ा थोड़ा लाल वालों को शांति मिले कि आज थोड़ी कंसोलिडेट करें मार्केट, विच इज वेरी गुड। और आप सर, उस जैकेट से क्या हम वैसे अच्छे नहीं है? तो हमारा दिल साफ होना चाहिए सर, दिल साफ होना चाहिए, क्या बात समझ बोले आई ना? सर, होना चाहिए। बिल्कुल आप बेहतर बात बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइएगा, अब ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये 16,000 के नीचे, वैसे मैं आप लेवल्स की बात नहीं बोलते, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप कन्विक्शन पे ज़्यादा जाते हैं, फिर भी मैं पता करना चाहता हूँ, क्या 16,000 के नीचे जाने की गुंजाइश बची है सर आपके हिसाब से? तो बट वो लेने के मौके हैं। ये मार्केट का ट्रेंड मेरे हिसाब से इट हैज चेंज फॉर द पॉजिटिव। एक आध दिन और दीजिए, अभी जिन्होंने माल बेचना है और जिनका ये लगे कि बेयर मार्केट रैली है, वो चलती रहेगी डिबेट। बट मेरे को कन्विक्शन है कि यहाँ से इन द नेक्स्ट 10 days यू कैन हियर सडनली क्रूड फॉल $20 एंड दैट विल बी द बिग ट्रिगर ग्लोबली, क्योंकि ऑल बैड न्यूज इज इन द प्राइस। All that you need is little resolution on Russia and Ukraine, और वो मुझे लगता है is very very fast on the cards. Secondly, आपने price hike out of turn rate hike जो सब priced in है, inflation के fears भी priced in है, and now the growth is coming from the reopening, which in India is seeing huge uptake. तो मुझे कोई दो राय नहीं corporate results देख के कि this is the time to buy India. और मैं आपको कहता हूं कि ये एक आध दिन की consolidation, बट पहले आप 16,800 900 17,000 जाएंगे, फिर देखेंगे जो करेक्शन है। तो अभी पहले 400-500 points और तो आने दीजिए डिम्पी जी, फिर देखेंगे क्या मार्केट का रुख है। आप कहें तो मैं आप ही के लिए भी कॉल दूं और आपको अपडेट भी दे दूं। तो अपडेट दीजिएगा, फिर कॉल दीजिए। देखिए, बजाज परसिस्टेंट सिस्टम और L&T, मैं बहुत जोर से कह रहा हूं, परसिस्टेंट सिस्टम में जो आज वॉल्यूम हुई है रिकॉर्ड वॉल्यूम है, और जैसे आपको कहा उनका जो न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, आई थिंक इट विल बी इवन बिग बेटर देन फिनकल। दिस स्टॉक कैन बी ह्यूजली रीरेटेड। तो नहीं है तो ऐड कीजिए बजाज फाइनेंस, के ग्रोथ इज सीइंग अस्टाउंडिंग ग्रोथ, एंड सेम इज द केस विद L&T, जहां पे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा उनका यू नो ऑर्डर इनफ्लो बहुत बढ़िया है। अब आपके लिए 3 picks हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो बताइए। देखिए, मेरे फाइनेंस विल कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, डिलिंक्वेंसीज आर एट द लोएस्ट, और ये जो है ये स्टेडी 2% पर एनम पर मंथ इनको रिटर्न मिलता है। ₹104 पे इट्स अ स्टील, ₹100 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट, 12 से 15। दूसरा पिक परसिस्ट आपको मैं कहता हूं, आप गाड़ियों में देख रहे कितनी उछाल है, बजाज फिनसर्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस फॉर कार्स, बजाज फिनसर्व 12,750 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 12,300 का, 13,500 का टारगेट। और तीसरा होएगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में अब ये पाम ऑयल में भी जो अटकली थी वो हट गई। गोदरेज कंज्यूमर इज ग्लोबली गोइंग टू बी इज ग्लोबली ऑल्सो वेरी बिग प्लेयर, और इंडोनेशिया में तो उनका बिजनेस डबल डिजिट में आएगा। 815 का स्टॉप लॉस है, 885 का टारगेट। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून संजीव जी। तो ये तो आपकी पिक्स रही, एक स्पेस पर आपसे आपका व्यू समझना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले जैसे ये न्यूज आई, और ये थोड़ी बहुत इस पर र्यूमर्स और इस पर एंटिसिपेशन भी थी, जो ऑनलाइन गेमिंग है, साथ ही कसिनोज है, इन पर अब GST लगेगा। इस स्पेस पर अगर आपकी यहाँ फोकस हो, आपने स्टडी किया हो, तो इसमें कौन सी आपकी प्रिफर्ड पिक है? क्योंकि एक तरह से तो ये न्यूज अच्छी भी है, लेजिटिमेट हो पाएंगी ये बिजनेसेस। नहीं, इसमें कोई उपाय नहीं है, तो इसको गैम्बलिंग का है, तो और किसको अगर वैसे ही ऑप्शन का ट्रेड कीजिए तो हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए, हम आपको सारी जो आपको एड्रेनल रश है ना वो सब समझा देंगे, क्या ऑप्शन होती है, क्या कॉल पुट, और आपको रात की नींद जाएगी तो आप वो बेटर करेंगे। तो इन शेयरों पे नहीं है। ठीक है, बसिन जी, फिर एक चीज मेरे को और बता के जाइए, कल ना ITC के नतीजे आ रहे हैं, तो आपकी अपनी कैलकुलेशन के ITC के नंबर्स पर, एक तो ये बात, और थोड़ी देर पहले ना टिकर पे एक अच्छा ब्रेकिंग चल रहा था कि भारतीय एयरटेल ये कह रहे हैं कि कुछ टैरिफ और बढ़ाने पड़ सकते हैं। 178 तक आ गया सर उनका ARPU, टैरिफ और बढ़ जाएगा और यूजेस बढ़ेगा तो 200 भी हो जाएगा। तो भारतीय एयरटेल और ITC दोनों खबर वाले शेयर हैं, आप इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया, 178 का 200 हुआ तो रिलायंस का भाव तो 3,000 होगा।